दोस्तों आज की रेसिपी है फ्यूजली व्हाइट सॉस पास्ता जो है बैचलर्स की इजी रेसिपी। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिया है एक कप फ्यूजली पास्ता जो कि सिर्फ वन सर्विंग है। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा पोर्शन। यहाँ मैं सिर्फ वन सर्विंग के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने बॉइल कर लिया है मेरे फ्यूजली पास्ता और मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच मैदा जिससे कि हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ मैंने लिया है मोज़रेला चीज़ जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए एक कप दूध मिल्क, बटर हमें चाहिए। बटर आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, कम ज़्यादा हो सकता है, कोई पोर्शन नहीं है इसका। इटालियन सीजनिंग चाहिए हमें। अगर आपके पास फ्रेश बेसिल मिले तो आप ज़रूर इसमें डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास नहीं थी। और हमें चाहिए रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक पैन में बटर। बटर डालेंगे हम इसमें, बटर को मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम स्लो रखिएगा नहीं तो बटर बहुत जल्दी जल जाता है, ये याद रखिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदे को हम अच्छे से भूनेंगे बटर में। एंड अगर आपको बटर कम लग रहा हो तो ज़रूर ऐड कीजिए ऊपर से। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें फिर से ऐड करूँगी बटर। हमें मैदा बिल्कुल पिंकिश होने तक इसे भूनना है। फ्लेम आप चेक करते रहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए नहीं तो मैदा जल्दी जल सकता है। तो हमेशा चेक करते रहिए फ्लेम ज़्यादा तेज ना हो। जब पिंकिश हो जाएगा हमारा मैदा तो हम इसमें ऐड करेंगे दूध मिल्क। हो गया है हमारा मैदा, अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। और इसे चलाते रहिए नहीं तो मैदा से लंप बन सकता है और लंप हमें नहीं चाहिए हमारे सॉस में। तो यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि ऑलरेडी हमारा मैदा पक चुका है। अब मैं इसमें चीज़ डालूँगी। चीज़ मोज़रेला मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। अगर गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा दूध डालकर आप इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं जैसा आप सॉस चाहते हैं। यहाँ मैंने डाला सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है पास्ता। एंड हमारा जो पास्ता है फ्यूजली व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।